नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर दे सकते हैं। दरअसल मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो उन्हें टक्कर दे सके, लेकिन नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं प्रधानमंत्री के सामने। क्योंकि ये मत भूलिए, नीतीश कुमार वक्त के हिसाब से चलते हैं। उनके हिसाब से अगर टाइम चल रहा है तो ठीक है, वरना वो पलटी खाते हुए दिखाई देते हैं और वो अपने बयान भी बदल लेते हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि कोई अच्छा कैंडिडेट अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है तो वो नीतीश कुमार हो सकते हैं। इसी को लेके नीतीश कुमार तैयारी में जुट गए हैं। 3 दिन के दौरे पे दिल्ली आए हैं और यहाँ पे आके वो हर किसी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष के नेता से, जो इस लड़ाई में उनका साथ दे सकता है। वो विपक्ष को एकजुट करना चाह रहे हैं, पूरे देश में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर एक पार्टी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी रणनीति भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको कई सबूत दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको लगेगा नीतीश कुमार की ये जो बात है 2024 चुनाव में पीएम के कैंडिडेट बन सकते हैं, ये सच है कि नहीं है। और तेजस्वी यादव ने क्या कहा है नीतीश कुमार को लेके, कि क्या सच में वो 2024 चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ सकते हैं। कई ऐसे आंकड़े बताऊंगा आपको जिसको देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, सच में 2024 चुनाव की तैयारी में नीतीश कुमार जुट चुके हैं। जहां बिहार तेजस्वी यादव के हाथ में दिया जाएगा और नीतीश कुमार निकल जाएंगे देश को संभालने के लिए, यानी कि देश में 2024 चुनाव के उम्मीदवार नीतीश कुमार कहे जा सकते हैं। उनके पार्टी की तरफ से कई ऐसे पोस्टर जारी किए गए हैं जिसको देखने के बाद लग रहा है कि पार्टी ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। शायद आप सबको पता हो कि किस तरीके से जेडीयू की तरफ से बिहार के अंदर पोस्टर लगवाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है, प्रदेश में देखा देश में देखेंगे। इसका मतलब साफ है, प्रदेश में एज अ सीएम नीतीश कुमार को देखा गया है और देश में एज अ पीएम नीतीश कुमार को देखा जाएगा। यानी कि उनकी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को पता है, हर एक मंत्री को पता है, हर एक नेता को पता है कि अब नीतीश कुमार 2024 की तैयारी में जुट चुके हैं। और नीतीश कुमार जब ये पोस्टर लग रहा होगा तो ये बात उनके सामने भी आई होगी कि प्रदेश में देखा है और देश में देखेंगे। इसका मतलब उनके तरफ से भी साफ किया गया होगा कि हाँ भैया, 2024 के चुनाव में अब लग जाना है। इसके साथ ही मैं दूसरा पोस्टर दिखाना चाहूंगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार की पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को चुनौती देते हुए आ रही है, यानी कि बीजेपी को सीधा सीधा जेडीयू चुनौती दे रही है हर एक पोस्टर में। जहां लिखा हुआ है जुमला नहीं हकीकत, जुमला नहीं हकीकत का पोस्टर जो लगवाया गया है जेडीयू की तरफ से, उसका मतलब तो आप साफ समझ गए होंगे। जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का दावा किया था, उसके बाद अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था ये तो एक जुमला है जो पार्टी देती है चुनाव के वक्त में, उसके बाद जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हकीकत, यानी कि हम जुमला नहीं देंगे, हकीकत में करके दिखाएंगे। आप समझ सकते हैं इस बात का मतलब। इसके बाद दूसरा पोस्टर मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा जिसमें लिखा है मन की नहीं काम की बात। मन की बात कौन करता है, आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से मन की बात करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में काम की बात अपने पोस्टर में लिखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना है नीतीश कुमार का। इसके बाद मैं आपको एक और पोस्टर साझा करना चाहूंगा जिसमें लिखा है आश्वासन नहीं सुशासन। आश्वासन देने का काम आप सभी को पता है कौन करता है, इसके बाद सुशासन का काम जो कह रहा है करने को वो नीतीश कुमार की पार्टी है। सबसे पहले बिहार पे बात कर लेते हैं, फिर दिल्ली पे आएंगे किस तरीके से नीतीश कुमार रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है, बताया जा रहा है अगर खबरों की माने तो इस मुलाकात में उन्होंने बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई पर बात की और साथ ही साथ विपक्ष को एकजुट करने की बात की 2024 चुनाव को लेकर। यानी कि साफ है कि अब बिहार के अंदर तेजस्वी यादव, लालू यादव इनको समर्थन करेंगे, यानी कि नीतीश कुमार को समर्थन करेंगे। और इस मुलाकात के बाद वो 3 दिन के दौरे पे दिल्ली आ गए, जहां पे उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, केजरीवाल से मुलाकात की, इसके साथ ही साथ उन्होंने सीताराम येचुरी से मुलाकात की जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से विपक्ष से बात करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा राहुल गांधी से क्या बात हुई नीतीश कुमार की और क्या सच में राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई है वो सफल हो पाएगी। दरअसल मैं बता दूं कि राहुल गांधी के साथ जो है नीतीश कुमार पहले से भी काम करते हुए आ रहे हैं। ये मुलाकात 50 मिनट की बताई जा रही है अगर खबरों की माने तो। ये जो बात हुई थी इसको लेके कोई भी मैसेज बाहर नहीं आया, यानी कि दोनों तरफ से कोई भी मीडिया से बात करते हुए नहीं दिखाई दिया इस मीटिंग के बाद। लेकिन जहां तक कि सूत्रों की अगर माना जाए तो इस मीटिंग में आने वाले चुनाव को लेकर बात की गई है, विपक्ष को एकजुट करने की बात हुई है, साथ ही साथ कई सुझाव दिए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से भी कि किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं बीजेपी को हराने के लिए। नीतीश कुमार केजरीवाल से मिले, जहां पे उन्होंने सेम टॉपिक पर चर्चा की, जहां पे उन्होंने केजरीवाल का साथ मांगा 2024 चुनाव को लेके। केजरीवाल ने इसे लेके एक ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पे वो ट्वीट है, मेरे घर पधारने के लिए नीतीश जी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश से संबंधित कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑपरेशन लोटस,
इन लोगों द्वारा खुलेआम एमएलए खरीद फरोश करके जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराना, भाजपा सरकारों का बढ़ता निरंकुश, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। तो आपने सुना किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि नीतीश कुमार उनके घर पहुंचे थे जहां पे कई तरीके की बातें हुई, और साथ ही साथ ऑपरेशन लोटस जो कि बिहार और दिल्ली में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कई तरीके के एमएलए खरीदे जा रहे हैं, इस तरीके का विपक्ष आरोप लगाते हुए बीजेपी पे दिखाई दे रही है, इस पे बात हुई। साथ ही साथ कई ऐसे टॉपिक्स थे जिस पे बात हुई, महंगाई पे बात हुई, बेरोजगारी पे बात हुई, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल से जो मुलाकात हुई इसको ये भी माना जा सकता है 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल भी पीछे हटने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी प्रधानमंत्री की सीट के लिए दावेदारी लड़ चुके हैं, तो क्या सच में इस बार वो नीतीश कुमार को मौका देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल खुद में ही है। तो क्या सच में आम आदमी पार्टी और नीतीश कुमार एक साथ लड़ पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ? क्योंकि कांग्रेस से बात की, कांग्रेस खुद लड़ना चाहती है 2024 का चुनाव। केजरीवाल की अगर मैं बात करूं, वो खुद 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। टीएमसी से ममता बनर्जी भी 2024 का चुनाव अकेले लड़ना चाहती हैं। दरअसल मैं बताना चाहूंगा, नीतीश कुमार की पार्टी ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन टीएमसी ने साफ कर दिया कि हम पहले 2024 का चुनाव लड़ेंगे, टीएमसी अपने बल पर लड़ेगी, अगर उसके बाद बात करेंगे तो फिर समझौता हो सकती है गठबंधन को लेके, जिस तरीके से सीटें होंगी उस तरीके से बंटवारा कर लिया जाएगा। लेकिन साफ कर दिया टीएमसी ने कि हम किसी के साथ हाथ मिलाने वाले नहीं है 2024 चुनाव को लेके। आज समझ सकते हैं, एक तरफ हर कोई हाथ मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अकेले 2024 चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर चुकी हैं। आपको मैं कई आंकड़े और दिखाना चाहूंगा, जहां पे नीतीश कुमार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव से मिले, जहां पे उन्होंने कई तरीके की बातें की, जिसके बाद उन्होंने भी ट्वीट किया, जिनका नाम बताया जा रहा है सीताराम येचुरी। इन्होंने एक ट्वीट किया है नीतीश कुमार से मिलने के बाद, जिसमें लिखा हुआ है, श्री नीतीश कुमार जी से अपने कार्यालय में मिलकर अच्छा लगा, इन्होंने जो प्राथमिकता गिनाई उससे हम और सभी भारतीय देशभक्त सहमत होंगे। भारत को आजाद, सही तौर पर लोकतांत्रिक, सभी नागरिकों को एकजुट और समान स्थान देने के लिए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक दलों और शक्तियों को एक साथ लाना। यानी कि आप मान सकते हैं कि यहाँ पे भी नीतीश कुमार ने 2024 चुनाव की तैयारी को लेकर बात की है, जहाँ पे फिर एक बार वही देखने को मिल रहा है कि विपक्ष को एक साथ लाना है, जो इस ट्वीट में भी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं सीताराम ने किस तरीके से बताया कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये मीटिंग हुई थी। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा, तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है, जो उन्होंने पीटीआई को दिया था, कि अगर विपक्ष के नेता इनके ऊपर भरोसा करते हैं, नीतीश कुमार के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा चेहरा साबित होंगे 2024 चुनाव में। अगर विपक्ष सहमति जताती है नीतीश कुमार को लेके, तो उनसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में कोई नहीं होगा नीतीश कुमार के सिवाय। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई खड़ा हो सकता है तो नीतीश कुमार खड़े हो सकते हैं, ऐसा तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये मत भूलिए कि नीतीश कुमार वक्त के साथ बदलते हुए दिखाई देते हैं, अपनी बातों को बदलते हुए दिखाई देते हैं, तो माना जा सकता है कि उनको राजनीति बहुत अच्छी करनी आती है, राजनीति में वो बहुत ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट हैं। फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये मुलाकात हो रही थी, लगातार नीतीश कुमार हर एक के घर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, विपक्ष को एकजुट करते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां पे कई तरीके की बातें होते हुए भी दिखाई दे रही है। उस वक्त जब मीडिया ने पूछा किस तरीके का मॉडल आप लाना चाहेंगे और क्या बिहार मॉडल आप लाना चाहेंगे और बिहार मॉडल है क्या, तो नीतीश कुमार ने कहा कि मैं 2024 का चुनाव के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं बस मिलने आया हूं विपक्ष को एकजुट करने के लिए, ताकि हम सब मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ सके। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है, और उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि 2024 चुनाव को लड़ने के लिए और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के लिए मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, मैं नहीं लड़ना चाहता। लेकिन जिस तरीके से वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे लग तो यही रहा है वो चुपचाप 2024 के चुनाव में लगे हुए हैं, कि आने वाले वक्त में चुपचाप सामने आएंगे और देश के सामने प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बन जाएंगे। पब्लिक सिटी का तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले कोई ऐसा नेता नहीं आया जिसको इतना ज़्यादा प्यार मिला हो। ऐसे में नीतीश कुमार सामने खड़े हो रहे हैं, जो कि बिहार से आते हैं, और ये भी माना जाएगा कि बिहार के लोग ही हर चीज़ में आगे दिखाई देते हैं, चाहे मीडिया की बात कर ली जाए, चाहे ऑफिसर की बात कर ली जाए, चाहे आईएएस की तैयारी की बात कर ली जाए, तो मान लिया जाएगा कि इसमें भी बिहार आगे निकाल लेगा नंबर, क्या इसमें भी बिहार आगे जाता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या सच में बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देख पाएगी? क्या सच में
इस बार नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसा कि वो तैयारी कर रहे हैं चुनौती देंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है, आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को, अपना कमेंट जरूर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखें, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।